चले। दर्शनम इंस्टीट्यूट में बच्चों आपका स्वागत है। आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आज की क्लास को बेटा डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी में बेटा स्टेम्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। स्टेम और स्टेम का मॉडिफिकेशन, तो आइए बेटा देखते हैं स्टेम। स्टेम स्टेम बेटा एक टाइप का असेंडिंग पार्ट है, तो ये पार्ट बेटा ये स्टेम का कहलाएगा, ये सॉयल हो गया, ये पार्ट आपके रूट हो गए, और ये पार्ट बेटा किसका होगा, स्टेम का। देखो इसी स्टेम से बेटा क्या निकले होंगे, ब्रांचेज भी निकली होंगी, ब्रांचेज पर भी बेटा नोड एंड इंटर नोड पाए जाएंगे। देखो इस हिस्से को बेटा क्या बोलेंगे, नोड्स, और ये वाला जो पोर्शन है बेटा इन दोनों के बीच का, इसको बोलेंगे इंटर नोड, तो बोलेंगे इंटर नोड। ये पार्ट बेटा ब्रांचेज हो गई, तो ब्रांचेज होती हैं, इससे भी क्या होता है, इस पर भी नोड एंड इंटर नोड बेटा प्रेजेंट होते हैं। जो नोड्स होते हैं इसी पर बेटा लीव्स लगे होते हैं, जो इंटर नोड होते हैं इसी पर क्या प्रेजेंट होते हैं, सॉरी जो नोड होते हैं इसी पर लीव्स का प्रेजेंट होते हैं। ये पार्ट कहलाएगा असेंडिंग पार्ट ऑफ द, ये हो जाएगा असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट। जो इसकी ओरिजिन होती है वो जानते हैं कहाँ से होती है, इसकी ओरिजिन होती है एक्सोजीनस, एक्सोजीनियसली बेटा इसका मतलब हो गया कि ये ओरिजिन पेरी साइकल्स नहीं होकर के इससे होगी, कार्टेक्स से, ओरिजिनेट फ्रॉम द बेटा कार्टेक्स। ये कार्टेक्स क्या है, देखो ये पार्ट है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे बेटा कार्टेक्स, ये इसके बाद एंडोडर्मिस, कार्टेक्स से ये अराइज होता है। तो स्टेम ऑलवेज बेटा अराइज फ्रॉम द कार्टेक्स, ठीक है ना। तो जब ये कार्टेक्स से अराइज होगा तो ऐसी कंडीशन को एक्सोजीनियस ओरिजिन कहेंगे, कौन सी ओरिजिन कहेंगे, एक्सोजीनियस ओरिजिन कहेंगे, राइट। ये देखो प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटर नोड इज अ फीचर ऑफ, प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटर नोड इज अ फीचर ऑफ किसका, स्टेम हो गया, दैट बियर द ब्रांचेज आर बेटा लीव्स। नोड वो पार्ट है जहां पर, नोड वो पार्ट है जहां से लीव्स अराइज होता है, राइट, क्लियर है। अब इसके बाद देखो ये असेंडिंग पार्ट है, इसका फंक्शन बेटा क्या हो सकता है, फंक्शन ऑफ द स्टेम। तो देखो फंक्शन ऑफ द स्टेम, अगर हमें फंक्शन बेटा समझाना है तो एक काम तो समझ में आना चाहिए अपने को, ये वाटर और मिनरल, देखो यहां से ये वाटर एंड मिनरल्स हैं, ये इसका रूट एब्जॉर्प्शन करेगा और ये इसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा। तो पहला या फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, तो बेटा इसका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो आइए देखते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, दूसरा पॉइंट है। अब देखो क्या ये, देखो यहाँ पर लीव्स है बेटा ये इसी पर प्रेजेंट है, अगर ये लीव्स यहाँ पर प्रेजेंट है तो लीव्स क्या काम करेगा, फोटोसिंथेसिस का काम करेगा, तो जब फोटोसिंथेसिस करेगा फूड बनेगा, फूड बनेगा तो ये फूड का कंडक्शन भी कराएगा, चल वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन ही नहीं करेगा, फूड का भी कंडक्शन होगा। अगर कंडक्शन ऑफ फूड होगा तो यह आप ऐसे कर सकते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस, कुछ ऐसे स्टेम होते हैं बेटा जो फोटोसिंथेसिस का भी काम करेंगे, भाई कुछ ऐसे स्टेम होंगे जो फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, और कुछ बेटा ऐसे होंगे जो फूड का स्टोरेज करेंगे, और कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जो प्रोटेक्शन करेगा। और सिक्स पॉइंट हो जाएगा
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये इसके फंक्शन हो गए। देखो वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन तो बेटा प्रॉपर होता है, प्रॉपर अगर होगा तो किससे हो जाएगा, ये स्टेम लेके करेगा। बट बेटा यहाँ पर इसके अलावा फोटोसिंथेसिस करना है, सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, फूड स्टोरेज करना है, प्रोडक्शन करना है और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करना है, राइट। चलो अब इसके बाद यहाँ से आ जाएगा अंडरग्राउंड, मतलब इसका मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम्स, हेडिंग है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्टेम का मॉडिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है तो ध्यान रखना बच्चा, इसका जो मॉडिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। इसके फंक्शन के बेसिस पर इसको बेटा मॉडिफाइड किया गया है या मॉडिफिकेशन किया गया है। तो जो फर्स्ट फंक्शन है इसका, इसका जो बेटा फर्स्ट फंक्शन है फूड का स्टोरेज है, फूड का बेटा स्टोरेज है। अगर हम लोग ये देखें कि अगर ये फूड का स्टोरेज करेगा तो बेटा कैसे फूड का स्टोर करेगा, अगर ये फूड, अगर ये फूड का स्टोरेज करेगा तो कौन कौन से एग्जांपल हैं बेटा। देखो एग्जांपल पहला हो जाएगा, जैसे कि हम लोग कहेंगे यहां पर होगा राइजोम, ट्यूबर, ट्यूबर हो गया, राइजोम हो जाएगा एंड बेटा कॉर्न हो जाएगा। जो ट्यूबर होता है, ट्यूबर ये हो गया। देखो ये इसमें बेटा रिजर्व फूड मटेरियल होगा स्टार्च, जब ये अपने डार्विंड स्टेज से, मतलब बेटा जब ये मेच्योर हो जाता है, यहाँ पर देखिए इसकी छोटी छोटी ये आइज बेटा पाई जाती है, आइज होती है, वो मॉडिफिकेशन होता है किसका, एक्सिलरी बड का। आइज आर मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड, ये बेटा एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन होता है और यही बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी हेल्प कर सकता है। इसको काट करके निकाल लेंगे तो जो ट्यूबर का एग्जांपल है वो क्या हो जाएगा बच्चा, पोटैटो, ये हो जाएगा पोटैटो। दूसरा बेटा आता है राइजोम, सेकंड आ जाएगा राइजोम। अगर ये राइजोम है तो कैसे होगा, क्या मतलब बेटा इसमें ये स्टेम का पार्ट है, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे का मतलब बेटा ये आप उसका देखे होंगे, जिसको हम लोग इसका एग्जांपल पहले समझ लें, ये टर्मरिक होगा मतलब हल्दी हो जाएगा और दूसरा यहाँ से एग्जांपल होगा इसका जिंजर, सेकेंड बड़ा एग्जांपल हो जाएगा जिंजर, जो टर्मरिक है और जिंजर है ये एग्जांपल है राइजोम का। राइजोम का एक और बड़ा एग्जांपल हो सकता है, राइजोम का एक और एग्जांपल हो सकता है बनाना, ठीक है ना, राइजोम का एक और एग्जांपल हो सकता है बनाना। फिर आता है बड़ा कार्म, कार्म जो होता है ये ऐसे होंगे और ये स्टेम का पार्ट है बेटा, ये जब भी होंगे ये वर्टिकल होंगे, देखो ये हॉरिजॉन्टल होंगे, ये हॉरिजॉन्टल होंगे, इस पे बड़े नोड इंटर नोड निकले होंगे, ये ऐसे, ये वर्टिकल होते हैं। जब बेटा ये वर्टिकल होता है तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल बेटा होता है ए मार्फो फैलस, दूसरा बेटा आता है कोलोकेशिया अरवी या अरवी, तो ये फूड स्टोरेज का काम हो गया।
ठीक है ना। तो ये इसका मेन काम क्या होता है बेटा, फूड स्टोरेज करना। फूड स्टोरेज तब ये करेगा जब ये अंडरग्राउंड के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? अंडरग्राउंड। तो ये सारे स्टेम, ये सारे स्टेम एग्जांपल हैं अंडरग्राउंड स्टेम के, एग्जांपल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, राइट। ये पहला बड़ा मॉडिफिकेशन हुआ। अब अपने को देखना है सेकंड मॉडिफिकेशन, तो चलिए सेकंड मॉडिफिकेशन देखते हैं। सेकंड मॉडिफिकेशन है इसका स्टोरेज करना। देखो फूड तो स्टोरेज हो चुका, सेकंड है यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराना। सपोर्ट करना, अब सपोर्ट में जो स्टेम होगा वो क्या बनाएगा? कैंडल बनाएगा। स्टेम बेटा मॉडिफाइड इनटू टेंडिल्स, और टेंडिल्स एक टाइप का हेल्प करेगा ये क्लाइंबिंग में, हेल्प करेगा क्लाइंबिंग में। कैसे बेटा हेल्प करेगा ये क्लाइंबिंग में? ये देखो, जैसे ये मान लो कि ये सॉयल का हिस्सा है, ठीक है ना। यहाँ पर एक नोड है, ये स्टेम बेटा ऐसे बढ़ता जाएगा, और हम लोग यहाँ पर एक स्टॉक लगा दें, एक डंडा लगा दें, तो ये इस पर बेटा ऐसे चढ़ जाएगा, ये ऐसे। यही वाले हिस्से क्या कहलाएंगे? यही वाला हिस्सा आपका टेंडिल कहलाएगा। और जो टेंडिल होगा बेटा, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चा, बोलो जल्दी से। इसके जो एग्जांपल हो जाएंगे वो एग्जांपल हो जाएगा कुकुरबिट्स की फैमिली। कुकुरबिट्स की फैमिली मतलब बेटा ये तो हम लोग कहेंगे कुकुम्बर होगा, पम्पकिन हो जाएगा, कार्ड्स हो जाएंगे, वाटरमेलन है, नेक्स्ट हो जाएगा ग्रेप वाइन्स। ये सबके सब बड़े एग्जांपल किसके हैं? सबके सब एग्जांपल हैं टेंडिल के, ठीक है। तीसरा फंक्शन, नेक्स्ट प्रोग्रेसिव फंक्शन देखते हैं। थर्ड इसका ये हो जाएगा प्रोटेक्शन। थर्ड फंक्शन का इसका हो जाएगा प्रोटेक्शन। कहाँ पर बेटा प्रोटेक्शन होगा? तो देखो प्रोटेक्शन कैसे करेगा, ये किससे करेगा? तो इसमें जो एग्जांपल है वो है हॉर्न। हॉर्न जो होगा वो प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। ये है हमारा स्टेम, यहाँ पर बेटा नोड है, यहाँ से देखो ये पॉइंटेड एक स्ट्रक्चर निकला होता है, ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, को अपन लोग बोलते हैं थॉर्न। थॉर्न की खास बात है बेटा ये देखो, यहां पर इस जगह पर ये वैस्कुलर कनेक्शन शो करेगा। क्या शो करेगा? वैस्कुलर कनेक्शन शो करेगा। अगर वैस्कुलर कनेक्शन शो करेगा इट मींस बेटा ये देखिए, ये ग्रीन होगा, इस पर पत्तियां भी लगी हो सकती हैं, लेकिन ये पार्ट हार्ड होगा। ये हार्ड है, पॉइंटेड है, ग्रीन है, बेटा ये वैस्कुलर हो सकते हैं और प्रोटेक्ट फ्रॉम किससे? प्रोटेक्ट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। जो बेटा एनिमल्स क्या करते हैं, घास चरते हैं, उनसे ये बचाता है। एग्जांपल क्या हो सकता है भाई इसके? थॉर्न के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? एक एग्जांपल तो जाएगा सिट्रस, दूसरा एग्जांपल होगा बोगेनविलिया, थर्ड एग्जांपल आपका हो जाएगा डोरेंटा। ये सब एग्जांपल किसके हैं? ये सब ऑल आर एग्जांपल ऑफ द थॉर्न। तो थॉर्न के एग्जांपल कौन कौन हो जाएंगे? बोगेनविलिया, सिट्रस एंड डोरेंटा, राइट। चलो भाई अब इसके बाद है फोर्थ फंक्शन, फोटोसिंथेसिस। फोर्थ फंक्शन हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करना, अगर बेटा ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो कैसे फोटोसिंथेसिस कर सकता है?
अगर ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो कैसे फोटोसिंथेसिस करेगा भाई, मतलब कि ये स्टेम ग्रीन होने चाहिए, अगर ये स्टेम ग्रीन है तो कैसे होगा। देखो इसका एक एग्जांपल, ये पार्ट बेटा क्या होंगे, ये पार्ट स्टेम का हुआ, इस पर लगा हुआ ये क्या पाया जा रहा है, ये भी स्टेम का ही पार्ट है, तो देखो जो पार्ट जनरली बेटा हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा लीव्स होता है ये लीव्स का पार्ट है ना, लीव्स क्या काम करता है, इस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, जो स्टोमेटा होगा ये क्या काम करता है भाई, स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन का काम करेगा, ट्रांसपिरेशन कराएगा, जब ये ट्रांसपिरेशन का काम कराएगा तो लॉस ऑफ वाटर होगा, लॉस ऑफ क्या हो जाएगा, वाटर होगा। तो क्योंकि बेटा ये जो प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट है, ये प्लांट बेटा जीरोफिटिक होता है, जीरोफिटिक का मतलब कि ग्रो इन अ एरिड रीजन, ये ग्रो करेगा एरिड रीजन में, एरिड मतलब बेटा ड्राई कंडीशन में ग्रो करेगा, और इसीलिए इस प्लांट को अपन लोग बोलेंगे जीरोफिटिक प्लांट, जीरोफिटिक प्लांट। जीरोफिटिक प्लांट का मतलब ये हो गया कि प्लांट ग्रो इन ड्राई कंडीशन या एरिड रीजन में, जब बेटा पानी नहीं होगा तो स्टोमेटा के भी चांस बहुत कम होंगे। तो ये जो इसकी लीव्स होती हैं, ध्यान से सुनना, ये जो इस पे लीव्स होती हैं, ये इसकी लीव्स हैं, ये वाले जो पतले पतले हैं ये लीव्स हैं, तो इसकी जो लीव्स होती हैं ये मॉडिफाइड हो जाती हैं, मॉडिफाइड होकर के क्या बनाती हैं भाई, मॉडिफाइड होकर के स्पाइंस बनाती हैं, कांटे बनाती हैं, और अगर ये कांटे बनाएंगी तो किससे बचाएंगी, इसका मेन काम होता है बेटा प्रोटेक्शन या प्रोटेक्ट फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर से बेटा प्रोटेक्ट करती है, इसलिए इसको स्पाइन के फॉर्म में ये कन्वर्ट हुआ। बट अपन लोग क्या पढ़ क्या रहे हैं, स्टेम, तो ये जो स्टेम का पार्ट है, ये पार्ट स्टेम बेटा कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, जब ये ग्रीन होगा तो ये फोटोसिंथेटिक होगा, जब फोटोसिंथेटिक है इसका मतलब है कि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा, फोटोसिंथेसिस का काम कौन कर रहा है, फोटोसिंथेसिस का काम स्टेम कर रहा है, जबकि करना नहीं चाहिए, तो अगर करना नहीं चाहिए, अगर इसको करना नहीं चाहिए ये काम, तो इसीलिए बेटा इसको बोलते हैं हम लोग फिल्लो क्लैड। फिल्लो मीन्स क्या हो गया भाई, फिल्लो मीन्स हो गया लीव्स, क्लैड मतलब ब्रांचेस, ऐसे स्टेम्स जो क्या काम कर रहे हैं, जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक, अब इसके शेप कैसे हो सकते हैं, तो देखिएगा ये जो प्लांट होते हैं इसके शेप अलग अलग हो सकते हैं, अगर ये फ्लैटेंड है ऐसा होगा, फ्लैटेंड, अगर ये फ्लैटेंड होगा तो ऐसी कंडीशन में आप ध्यान रखिएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा कैक्टस, क्या बेटा इसी को बोलते हैं ओपनसिया। दूसरा एग्जांपल, अगर ये बेटा सिलेंड्रिकल शेप में होगा, ऐसा शेप होगा सिलेंड्रिकल, ये इसका एग्जांपल आपके बुक में दिया गया यूफोर्बिया। तो अब आप बताओ जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करेगा वो कौन कौन कर रहा है, देखो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म कौन कर रहा है भाई, एक तो एग्जांपल यूफोर्बिया हो गया, दूसरा कैक्टस हो गया या ओपनसिया हो गया, तो ये फ्लैटेंड, या अगर फ्लैटेंड है तब इस टाइप से है ये करेगा, लेकिन बेसिकली बेटा इसको कहते क्या है, आप इसको कहते हैं फिल्लो क्लैड। ठीक, अब ये फोर्थ फंक्शन हो गया, फिफ्थ फंक्शन है बेटा इसका, पांचवा फंक्शन है तो हम लोग कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आइए देखते हैं बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन,
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है बेटा वो क्या होंगे, का मतलब क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या होगा, ये एक टाइप से रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेटा टाइप माना जाता है, प्लांट्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप माना जाएगा। तो आप इसको ऐसे समझिए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पहले आप बेटा ये देखो कि ये पाए कौन कौन जाएंगे या कौन कौन से टाइप्स के होंगे। तो जो फर्स्ट बेटा आपका टाइप बनता है इसमें, तो फर्स्ट टाइप है उसे हम लोग कहेंगे रनर, सेकेंड बेटा टाइप जो बनता है यहां पर वो जाएगा रनर के बाद आ जाएगा स्टोलन, थर्ड होगा ऑफसेट और फोर्थ हो जाएगा सकर। तो सकर हो गया, स्टोलन हो गया, ये सब हो गया, रनर हो गए, ये सब किसके टाइप्स हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। अब बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा डिस्कस करेंगे अपन लोग कौन सा चलो भाई रनर, ये फर्स्ट है रनर, रनर का बेटा एग्जांपल आपके एग्जाम्पल होगा वो कौन कौन से रनर के एग्जाम्पल होंगे। तो देखो पहले जो रनर होगा क्या एक एग्जाम्पल है जिसको हम लोग कहेंगे दूब ग्रासेस या दूब घास, और दूसरा हो जाएगा स्ट्रॉबेरी, ये दोनों एग्जाम्पल हैं। बट ये रनर होता क्या है भाई, तो देखो ये हिस्सा है बेटा सॉइल का, ये सॉइल के नीचे पहले क्या होते हैं, ये देखो ये हिस्सा यहां पर ये ऐसे बेटा स्टेम होता है, इस पर नोड प्रेजेंट हैं, इस पर क्या प्रेजेंट है नोड्स बेटा ये प्रेजेंट है, ये पहले ऐसे मूव करेगा और जितने बेटा ये जहाँ जहाँ पर ये नोड्स हैं यहीं से रूट अराइज होगा और यहीं पर ये लीव्स वगैरह लग जाएंगे, यहीं पर क्या लग जाएंगे लीव्स लग जाएंगे, ठीक है। अगर हम बेटा इसको इसके देखो ये हिस्सा नोड का है, ये पार्ट नोड है, ये पार्ट इंटर नोड है, अगर हम इसमें से किसी एक को रिमूव कर दें, जैसे मान लो कि बेटा यहाँ से ये कट कर दिया जाए, ये नया प्लांट बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा न्यू प्लांट्स बन जाएगा। अगर बेटा ये न्यू प्लांट्स बन गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे प्रोपोगेशन, इसी को अपन लोग क्या बोलेंगे प्रोपोगेशन, नया प्लांट बना क्या कहलाएगा प्रोपोगेशन कहलाएगा, ठीक है। तो रनर हो गया, रनर के बाद क्या आता है भाई स्टोलन, चलो सेकंड आपका बेटा स्टेप आता है स्टोलन, ये स्टोलन कौन सा होगा या इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल बेटा इसके दो दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मिंट एंड जैस्मिन, मिंट एंड बेटा क्या जैस्मिन, इसमें क्या होता है भाई ये स्टेम है ये सॉयल है, यहाँ पर बेटा ये रूट होगा, यहाँ पर नोड होगा, यहाँ पर ये नोड होगा, इसके देखो इसके जो लोअर नोड होते हैं इसके लोअर नोड से ध्यान दो बेटा पॉइंट
बहुत जरूरी है ध्यान से, इसका जो लोअर नोड होगा या यहां से इसके लोअर नोड से बेटा स्टेम निकलेगा, पहले क्या होगा तो ऐसे समझो ये स्टेम है, ये रूट है, अगर स्टेम है तो ये नोड होगा, ये लोअर नोड होगा, यहां पर बेटा अपर नोड होगा, यहां से पहले ये सॉइल का हिस्सा है, यहां से पहले ये रूट निकलेगा, इसको लेटरल ब्रांचेज बोलेंगे, रूट नहीं बेटा स्टेम निकलेगा, इसे लेटरल ब्रांच बोलेंगे, लेटरल ब्रांच कुछ दूर तक जाएगा फिर ये सॉइल में आ जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा और यहाँ जिस जगह पर बेटा ये टच करेगा यहाँ पर नया प्लांट ये बना लेगा, ठीक है, ये नया प्लांट यहाँ पर बना लेगा, तो ये हिस्सा किसका है, लेटरल ब्रांच का। कहाँ से राइज हो रहा है भाई, ये राइज हो रहे हैं कौन सा, जो मेन एक्सिस है या मेन स्टेम है, मेन स्टेम के लोअर वाले पार्ट से, लोअर लोअर नोड से, मेन एक्सिस के बेटा कौन से, लोअर नोड से राइज होगा। अगर हम बेटा इसे डिटैच करके अगर देखें तो यहां से अपन लोग न्यू प्लांट बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, यही कहलाएगा क्या, स्टोलन, यही कहलाएगा क्या, स्टोलन, ठीक है। थर्ड आया ये देखते हैं ऑफसेट, थर्ड स्टेप है ऑफसेट। सबसे पहला एग्जांपल आप ध्यान रखिए, ऑफसेट का एक एग्जांपल है बेटा पिस्टिया, दूसरा एग्जांपल है आइकार्निया, क्या आइकार्निया, कार्निया को ही हम लोग बोलते हैं वाटर हैशियंथ, वाटर हैशियंथ है, यही टेरर ऑफ बंगाल कहलाएगा, लेकिन ये दोनों दोनों बेटा ये पाए जाएंगे एक्वाटिक प्लांट्स होंगे, एक्वाटिक प्लांट्स होंगे, राइट, एक्वाटिक प्लांट होंगे, इसका मतलब है कि ये पानी में पाए जाने वाले प्लांट हैं। तो कहाँ पर पाए जाएंगे, कैसे, देखो ये वाटर बॉडी हो गई, ये वाटर बॉडी हो गई और इसके बाद इस पे इस पर स्टेम बेटा ये ऐसे लगे होते हैं, इसका इंटर नोड ध्यान देना, इसका जो इंटर नोड होता है बहुत शॉर्ट होता है और यहां पर टफ्ट ऑफ द रूट निकलेगा और यहां पर जो लीव्स होती हैं वो रोजेट लीव्स कहलाती हैं, तो देखो इसको अपन लोग बोलते हैं इंटर नोड, इंटर नोड बेटा साइड होता है, इंटर नोड इसका साइड होगा और थिक होगा, ये इसको आपको भूलना नहीं है, साइड एंड थिक, क्लियर। फिर देखो इसमें जो लीव्स होती हैं ये रोजेट लाइक होती हैं, रोजेट लाइक मतलब बेटा रोज लाइक होती हैं, इसको हम लोग ये बोलेंगे, ये इसका रूट है, रूट बेटा कैसा होगा, टफ्ट होगा, टफ्ट का मतलब बेटा बंच होता है, बंच के फॉर्म में पाया जाएगा। फिर इसमें याद ये रखना कि ये जब भी बनेगा ये माइटोटिक डिवीजन से बेटा बनेगा, इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा, इसमें कभी भी मियोसिस नहीं होगा, यहाँ पर क्या नहीं होगा, मियोसिस कभी भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वेजिटेटिव या एक टाइप का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये कौन सा हो गया, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, राइट। चलो भाई अब इसका हम लोग देखते हैं लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट को हम लोग देखेंगे स्टोलन सकर, सकर ये हुआ अपना स्टेम, कुछ स्टेम का हिस्सा बेटा ये सॉइल में होगा, यहां पर नोड्स होंगे, ये मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस का लोड नोड, यहां से देखो ये सॉइल है, यहां से क्या हुआ लेटरल ब्रांचेज बेटा यहां से राइज होती हैं, इस जगह से लेटरल ब्रांचेज राइज होंगी, ये ऐसे आएंगी फिर ये ऐसे जाएंगी, लेटरल ब्रांचेज ये बेटा अपवर्ड की ओर जाएंगी और यहां पर नया
प्लांट्स वगैरह बन जाएगा। तो ये मेन, देखो ध्यान से, ये बड़ा हो जाएगा मेन स्टेम, इसका ये बेस होगा या नोड होगा। यहां से जो राइज होगा वो क्या राइज होगा, लेटरल ब्रांच। और यहां से बड़ा ये नया प्लांट बनाएगा। अगर ये न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है तो इसे बोलते हैं सकर। और सकर के बड़ा तीन एग्जांपल हैं, आप बहुत बेहतरीन ढंग से याद रखना, पाइनएप्पल, सेकंड यहां पर हो जाएगा बनाना, और थर्ड एग्जांपल हो जाएगा क्राइसेंथेमम। चलिए, तो ये मैंने बेटा स्टेम का पार्ट कंप्लीट कर दिया। मॉर्फोलॉजी में स्टेम का एक बेसिक रोल होता है, और इसे बेटा देखें और एक दूसरे को शेयर करें, शेयर जरूर करें, लोगों तक पहुंचाएं इसको, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेटा हमारे वेबसाइट पर भी जाइए, वेबसाइट पर देखिए दर्शनम इंस्टीट्यूट करके वेबसाइट है, उस पर भी कमेंट डालिए, इसको लोगों तक पहुँचाइए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आप लोग ऐसे जुड़े रहें, अच्छा लगेगा।